हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल गो टू सक्सेस। दोस्तों, आज हम कर रहे हैं रीजनिंग का पोर्शन, जो कि एग्ज़ाम हुआ था स्पेशल एजुकेटर TGT लेवल पर, ओके, जो 29 जुलाई 2018 को हुआ था। हम उसी का सॉल्यूशन करेंगे आज। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। एक बात और बोलना चाहूँगी, अगर चैनल पर आप नए हैं और इस तरह की अपडेट्स आपको चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि हर वीडियो की न्यू नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, वैसे अगर सीक्वेंस में देखें तो 21 है, लेकिन जनरल इंटेलिजेंस या रीजनिंग की बात करें तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसमें, ओके। तो क्वेश्चन है हमारा, ए और बी के बीच की दूरी, यानी कि मान लीजिए ये ए और बी है, इनके बीच की दूरी इन्होंने 450 किलोमीटर दिया है। एक बस ए से आरंभ करके बी की ओर, यानी कि इस तरफ अगर जाती है तो जाती है 70 किलोमीटर पर आवर एंड चलना शुरू करती है आधे घंटे बाद। एक कार बी से ए की ओर, यानी कि इधर से और ए की तरफ जाती है, वो जाती है हमारी 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो अब हमें कार और बस ए से कितनी दूरी पर मिलेंगे, ठीक है, ये पूछा गया है, कितनी दूर मिलेंगे, ठीक है। तो हम जो इसका सॉल्यूशन करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल बाई ए। तो ए द्वारा जो डिस्टेंस कवर किया गया है वो है 70 किलोमीटर पर आवर, और इन दोनों के बीच की दूरी हमें दी है 450। तो हमें इनके बीच की दूरी टोटल दी है ना, तो 70 अगर ए ने कर ली है कंप्लीट, तो हमारी बचेगी कितनी, 450 माइनस 70। तो हमारा जो शेष बचा या रिमाइंडर बचा, वो बचा हमारा 380, ओके। यहाँ से अब हमारा 380 आ गया है, हम इसको ध्यान में रखने के लिए यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। अब ये हमारा डिस्टेंस बचा 380। अब बात करते हैं रिलेटिव स्पीड ऑफ बी, यानी कि हम बी की रिलेटिव स्पीड की बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू ए, यानी कि एक को नज़र में रखते हुए हम बी के रिलेटिव स्पीड को चेक करेंगे। तो इसमें क्या होगा, जब हमारी दिशाएं विपरीत होती हैं, ठीक है, यानी कि एक दूसरे की तरफ आ रही होती है, तो हम क्या करते हैं, इसको प्लस करते हैं, और एक ही तरफ जा रही होती है तो इसको हम माइनस करते हैं, ओके। तो ये क्या, विपरीत दिशा में आ रही है ना, ए से बी की तरफ और बी से ए की तरफ, तो इनको हम जोड़ेंगे। ए से बी की तरफ हमारा 70 किलोमीटर था, बी से ए की तरफ हमारा 80 किलोमीटर था। तो यहाँ यहाँ हमारा 380 था, और अब इन दोनों को 70 प्लस 80 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 150। अब इस 150 को हम सही, जब दूरी हमें निकालनी होती है तो हम इन दोनों के जोड़ को, यानी कि 150 को 380 में से माइनस करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0, 3 एंड 2। इट मीन्स हमारा जो दूरी, जो ए गैप करेगा, वो करेगा हमारा 230 किलोमीटर। तो हमारा ऑप्शन ए, सॉरी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, 230 किलोमीटर, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, यदि शब्द कंपेनशेट में पहले और दूसरे अक्षर को आपस में बदल दिया जाए, तीसरे और चौथे, यानी कि सी और ओ को, सॉरी फ्रेंड्स, सी और ओ को आपस में चेंज कर दिया जाए, यानी कि ओ सी कर दिया जाए इसका, और एम पी को भी आपस में चेंज कर दिया जाए, इसका हो जाएगा पी और एम, इसी तरह से पूरे को आपस में परिवर्तित किया जाए, बदला जाए, तो पूछा इन्होंने दाएं से पांचवा अक्षर क्या होगा। अब देखिए, अब इन्होंने बदलने का बोला है, तो ये हो जाएगा हमारा ओ सी पी एम, एम के बाद एन, ए, इस ओ को पहले रखेंगे, आई को बाद में, फिर ए को पहले, एन को बाद में, और ई को पहले और टी को बाद में। अब दायां आपका जो अपना दायां है, राइट हैंड, वहां से फिफ्थ देखना है, तो 1, 2, 3, 4 एंड 5 हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, आई, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 22 का हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे, एक श्रृंखला 6, 4, 1, 2, 2, 8, 7, 4 ये सीक्वेंस में दिए गई हैं कुछ संख्याएं। अब देखना है कि इनके कर्मागत संख्याओं के युग्मों के बीच दो का अंतर, ठीक है, कर्मागत यानी कि सीक्वेंस में होनी चाहिए और इनके बीच में डिफरेंस दो का हो, तो कितनी संख्याएं हैं। पहले देखिए, 6 और 4 इनके बीच में, ये आगे पीछे हैं और इनके बीच में अंतर है 2 का। नेक्स्ट है हमारा 4 एंड 2 इनके बीच 2 का अंतर है। 5 एंड 3 इनके बीच, 5 में से 3 गया, 2 बचे ना,
आठ और छः, एक और तीन, और आठ और छः फिर से आ गया, तो एक दो तीन चार पाँच छः, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। छः संख्याएं ऐसी है जो क्रम में हैं और उनके बीच का अंतर दो है। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24 पर। एक पंक्ति में विजय आगे से 14वां, यानी कि ये एक लाइन है, यहाँ पर विजय 14th नंबर पे है और जैक पीछे से 17th नंबर पर है, ओके। जबकि मेरी विजय और जैक के बीच में है, यहाँ पर मेरी है और अच्छा बीच में है, यदि विजय जैक के आगे है वो तो ऑब्वियसली जब 14th नंबर पे है तो आगे ही होगा, और पंक्ति में 48 व्यक्ति हैं यानी कि इन सब का टोटल जो है वो है 48, तो विजय और मैरी के बीच में, यानी कि पहले हमारा विजय था ये यहाँ पर और ये था जैक, तो अब यहाँ पर पूछा है कि विजय और मैरी के बीच में कितने बच्चे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम देख लेते हैं एक बार इनका, पहले हम टोटल करते हैं, 14 और एक 15, 15 और 17 हो जाएगा हमारा 32 हो जाएगा, ओके। अब इसमें से हम माइनस करेंगे, ये बचा हमारा 16, ठीक है। अब हमारा 16 ऑप्शन में कहीं नहीं है, क्यों? क्योंकि अगर विजय और इसके बीच में पूछा होता विजय और जैक के, तब हमारा 16 प्लस 1 ये ऐड हो जाती मैरी, लेकिन इन दो के बीच में पूछा है ना, तो ये इनके मिड में है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पूरा मिला के 16 है ना, और एक ये अलग रह गई, यानी कि इन दोनों के बीच तो 17 स्टूडेंट्स होते, अगर इसको हटा देते हैं तो हमारे 16 बचे, और इन दोनों के बीच की है ये, ठीक है, एवरेज इसको मान के चलते हैं, तो इसके बटे कितना करेंगे हम, दो करेंगे ना, तो 8 बच्चे इधर है, 8 इधर है, तो या तो विजय और मैरी के बीच पूछे तो भी 8 आंसर है, जैक और मैरी के बीच में पूछे तो भी 8 ही आंसर है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन है, रीना की आयु सुनीता से दुगनी है, 3 वर्ष पूर्व उसकी आयु सुनीता की 3 गुना थी, ठीक है, यहाँ पर हम रीना रखते हैं, यहाँ पर सुनीता रखते हैं। अब बताया है कि रीना की आयु सुनीता से 2 गुनी है, यानी कि हम अगर सुनीता की एक्स मानते हैं तो रीना की हो जाएगी हमारी 2x, और 3 वर्ष पूर्व यानी कि पूर्व जब लेते हैं तो हम माइनस करते हैं, और अगर फ्यूचर की बात करते हैं तो उसको जोड़ते हैं, ठीक है, x माइनस 3 हो जाएगा। अब इसको इक्वल करेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 3 से, क्योंकि 3 गुनी हो जाएगी, तो इस तरह से हमारे पास जो आएगा वो आएगा 3x माइनस 3 ज़ा 9 इक्वल्स टू, 3 गुनी थी ना, 3x माइनस कितने वर्ष पूर्व थी, 2 गुनी थी, यहाँ पर 2 गुनी थी 3 वर्ष पूर्व। अब इसको हम इक्वल रखते हैं तो ये इधर आएगा 2, तो ये माइनस हो जाएगा 3x माइनस 2x, x इक्वल्स टू, और ये इधर जाकर प्लस हो जाएगा, 9 माइनस 3 6 हो जाएगा, ठीक है, x आया है हमारा 6, और हमारी जो इक्वेशन थी वो क्या थी, यहाँ पर हमारा रीना था, यहाँ पर हमारा सुनीता था, ये x और ये 2x था, ओके, x हमारा 6 आया, तो रीना की एज हो जाएगी 2x यानी कि 12, हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान रखने की बात है कि रीना की आयु पूछी है, और एग्जाम में बच्चे जल्दबाजी में क्या करेंगे, सुनीता की निकली x इक्वल्स टू 6 और ऑप्शन ए ही दिया हुआ है, और आप जल्दबाजी में टिक मार देंगे 6 वर्ष, इसका सही आंसर होगा डी 12 वर्ष। नेक्स्ट चलते हैं, संपूर्णता पूर्ण कीजिए, यानी कि महासागर का जो संबंध जल से है वही संबंध ग्लेशियर का किससे होगा, तो ग्लेशियर क्या होता है, बर्फ, ठीक है, ग्लेशियर का संबंध बर्फ से होता है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कुश्ती, कराटे और मुक्केबाजी के समान है, तो ये तीनों ही चीज़ें हमारी किस में आती हैं, तैराकी में तो हम तैरते हैं, पोलो पोल वोट ये अलग चीज़ें हैं, जूडो में हमारी ये तीनों ही चीज़ें होती है, ओके फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक कूट भाषा में दिया गया है, टिंक लोग से का अर्थ फल पके हैं, से थाओ हे टिंक का अर्थ आम पके नहीं है। पहले हम ऐसे जब क्वेश्चन करते हैं तो क्या करते हैं, पहला सेंटेंस पढ़ते हैं उसका मीनिंग, फिर दूसरा सेंटेंस और उसका मीनिंग, अब इनमें से हम कुछ कॉमन वर्ड्स निकालते हैं, जैसे इन दोनों में कॉमन है पके हैं और पके हैं, और इन दोनों में कॉमन है टिंक, टिंक और से, ठीक है, तो टिंक और से का मीनिंग हो गया पके हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसको मैं थोड़ा इरेज कर देती हूँ यहाँ से, ताकि हमें क्लियर दिख सके, ओके, यस। तो अब नेक्स्ट लाइन हम पढ़ते हैं,
हे सी क्यूटिंग का अर्थ है केला पके नहीं है, ठीक है, पके हैं ये हमने निकाल लिया है टिंक से, तो टिंक और से ये हमारा कट गया। अब बचा हमारे पास केला और नहीं, हे क्यू का केला बना। अब देखिए इन दोनों में जो कॉमन है वो हे है, ठीक है, और यहाँ से हमारा नहीं कॉमन है, ठीक है। अब इन्होंने पूछा है किस शब्द का अर्थ आम है, आम पूछा है ना, तो इस लाइन में जो आम बचा देखिए टिंक से ये हमारे हो गए हैं, ठीक है, बचा सिर्फ हमारे पास थाओ जिसका अर्थ होगा आम, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, थाओ का अर्थ होता है इस कुट भाषा के अंतर्गत आम, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप ये आपको समझ आया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 1/12/91 प्रथम रविवार, दिसंबर 91 का चौथा मंगलवार कौन सा है। अब देखिए 1 दिसंबर को दिया गया है रविवार, ठीक है, संडे है। अब हमें ट्यूसडे तक पहुंचना है, तो ट्यूसडे कब का होगा, संडे के बाद मंडे आएगा और ट्यूसडे, यानी कि 1 के बाद 2 और 3, यानी कि 3 दिसंबर को आपका ट्यूसडे है। अब इसमें 7 7 ऐड करेंगे और 4 तक चलेंगे, यहाँ पर 10, फिर 17 और 24, यानी कि पहला मंगलवार 3 तारीख को, दूसरा मंगलवार 10 तारीख को, तीसरा मंगलवार 17 तारीख को और चौथा मंगलवार 24 तारीख को होगा। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 24/12/91 को हमारा चौथा मंगलवार होगा। इसी तरह से अगर आगे पूछते हैं तो 24 में 7 ऐड करोगे तो 31, ये हमारा 5वां मंगलवार होगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक संख्या चुनिए जो दिए गए संख्याओं के समुच्चय समान हो, ठीक है। अब देखिए 282, 354, 444, तो अब इसमें हम कुछ जोड़ घटा करके देखते हैं और इसका जो सही आंसर निकलता है वो निकलता है ऑप्शन सी। फ्रेंड्स ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा और सॉरी इसका मैं सही लॉजिक तक नहीं पहुंच पाई हूँ, बस आपको एक हिंट दे दिया है कि इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। अगर आपको इसका आप एक्सप्लेन कर सकते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिए, ताकि और आप जैसे लोगों की हेल्प हो सके और मैं भी आपसे कुछ सीख सकूँ, ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें सीक्वेंस दिया है 6, 24, 120 और यहाँ पर हमें निकालना है क्या आना चाहिए। तो ये सीक्वेंस हमारा बनता है 2³ - 2, 3³ - 3, 4³ - 4 एंड 5³ - 5। देखिए 2³ - 2 = 6, 3³ 3 3³ = 27, 27 में से 3 गया 24, 4 4 = 16, 64, 64 में से 4 गया, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 60, ओके। ये सीक्वेंस आई होप समझ आ गया होगा, 2³ - 2, 3³ - 3, 4³ - 4, 5³ - 5, 5³ हो जाएगा 125 और उसमें से -5 करेंगे तो 120 आ जाएगा, ओके फ्रेंड्स। नेक्स्ट चलते हैं। अक्षरों का कौन सा समुच्चय श्रृंखला को पूर्ण करेगा। अब देखिए ये फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस हैं, तो एक मिनट इसको थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ मैं, ताकि आसानी से दिख सके आपको। ए सी ब्लैंक, जी ए ब्लैंक, ई जी। अब हमें देखना होता है कि पहले जी से पहले ब्रैकेट है, तो हमें यहाँ देखते हैं ये जी से के साथ पहले कौन सा अक्षर दिया है, ई, ठीक है। ए के बाद कौन सा है, सी। सी से पहले क्या है, ए, ठीक है। और ई के बाद क्या है, एक मिनट देखिए ये दिखेगा आपको, ई के बाद है जी, ठीक है। तो हमारा जो आंसर होगा ई सी ए जी, तो ये हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, हम ये आसानी से निकाल सकते हैं, ओके फ्रेंड्स। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 33। एक कूट में फेवर ई सी यू आर टी वी, देखिए इसमें एक ऐड हो रहा है एक माइनस हो रहा है, ठीक है। जैसे ई के बाद एफ पीछे से आगे की तरफ चल रही है, ए के बाद +2 करेंगे तो सी आएगा, फिर यू के बाद वी, इसी तरह से ओ के बाद पी क्यू आर, दो आ गए ना, फिर टी यू, फिर आर एस टी यू वी, इस तरह से
प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर हो रहा है, ठीक है। अब देखिए हम पीछे से आगे गए थे तो ई के बाद एफ आना चाहिए, तो इसी तरह से यहाँ पर ई होना चाहिए। ये दो तो हमारे पहले ही कैंसिल हो गए क्योंकि ई सिर्फ इन दो में है, ठीक है फ्रेंड्स। अब चलते हैं हम ए के आगे चले हम बी और सी, तो ओ के आगे चलेंगे हम ओ पी एंड क्यू, तो हमारा क्यू आना चाहिए। ये हमारा कैंसिल हो गया, सीधा सीधा हमारा आंसर आ गया। बाकी आप कर सकते हैं, अपना करके देख लीजिएगा क्योंकि टाइम थोड़ा लेंदी हो जाएगा इसमें, ठीक है। आपको आंसर मिल गया है इस क्वेश्चन का, जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं। यदि परसों शनिवार था तो आने वाले परसों कौन सा दिन होगा। देखिए परसों शनिवार है तो इसका मतलब, सॉरी था तो इसका मतलब क्या हुआ कि आज सोमवार होगा, सैटरडे, फिर संडे और आज मंडे है, ठीक है। अब पूछा है कि आने वाले परसों, आने वाले परसों यानी कि इसके बाद एक दिन और, तो मंडे के बाद क्या होगा, ट्यूसडे, कल ट्यूसडे है तो परसों वेडनेसडे होगा, तो हमारा इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बुधवार। नेक्स्ट चलते हैं, ए बी से बड़ा परंतु सी से छोटा है। अब आ गया हमारा सीक्वेंस, ए बी से बड़ा लेकिन सी से छोटा है, ठीक है। डी ई से छोटा परंतु ए से बड़ा है। अब इससे पहले हम डी का संबंध सी से देखते हैं, सी डी से छोटा है तो डी यहाँ पर आ जाएगा। अब डी ई से छोटा है तो डी ई से छोटा है, ई सबसे बड़ा हो जाएगा, तो पूछा यही है कि सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा ई है हमारा ऑप्शन डी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं इसका,